In this video, we will going to discuss the type of the unit cell. How many type are there? There are the two type of unit cells. First one is the primitive. Second one is the non-primitive unit cell. Primitive unit cell is also called the simple unit cells. Or non-primitive unit cell is called is of uh, three types: body center, face center, and end center. प्रीमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल इसमें क्या होगा आपके पास जो यूनिट सेल है इसमें एटम मॉलिक्यूल आपके हर एक कॉर्नर पे होंगे हाउ मेनी कॉर्नर आर देयर एट कॉर्नर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट दीज आर एट एटम मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एट ईच एंड एवरी कॉर्नर ओके इन दिस यूनिट सेल हर एक कॉर्नर के ऊपर आपके पास क्या होंगे एटम मॉलिक्यूल अरेंज होंगे इसको हम बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल और नॉन प्रीमेटिव में कितनी टाइप्स हैं हमारे पास बॉडी सेंटर है फेस सेंटर है एंड सेंटर है एज द नेम इंडिकेट बॉडी सेंटर मीन्स एटम मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे उसके अलावा आपके पास इसमें बॉडी के इस यूनिट सेल के सेंटर में एक जो है वो आपके पास मॉलिक्यूल एटम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो बॉडी सेंटर में सेम स्ट्रक्चर ऐसी होगी एट मॉलिक्यूल एज इट इज रहेंगे लेकिन उसके अगर हम यहाँ पे सेंटर में बॉडी सेंटर में एक मॉलिक्यूल यहाँ पे अरेंज कर देते हैं वन एटम जो है वो यहाँ पे अरेंज हम कर देते हैं तो इट मीन ये बन जाता है हमारे पास बॉडी सेंटर यूनिट सेल ओके नेक्स्ट इज द फेस सेंटर यूनिट सेल फेस सेंटर एज द नेम इंडिकेट मीन्स हर एक फेस पे होगा कौन कौन से फेजेस हैं यहाँ पे सेम हर एक कॉर्नर पे तो यूनिट सेल इस तरह से होंगे ही होंगे इनके पास ठीक है बट हर एक फेस पे भी होगा हर एक फेस पे किस तरह से वन टू ये साइड के दो फेज हैं एक एक यूनिट सेल एटम जो है आपके पास यहाँ होगा वन यहाँ पे वन यहाँ पे टू डाउनवर्ड इस फेस पे एक होगा ऊपर वाले एक फेस पे यहाँ पे होगा और एक ये जो फ्रंट का है ये वाला पोर्शन जो है एक यहाँ पे और एक इसके बैकवर्ड है एक वहाँ पे होगा मीन्स हर एक फेस पे जो है आपके पास यहाँ पे एटम प्रेजेंट होंगे अपर अप एंड डाउन साइड में और ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे और इस एक इसके बैक है तो हर एक फेस पे जब एटम प्रेजेंट है तो उसको फेस सेंटर बोलेंगे अगर उसके बॉडी के सेंटर में है एक ही एटम प्रेजेंट है तो उसको बॉडी सेंटर बोलेंगे अगर एंड सेंटर मीन्स अपर एंड बिलो सिर्फ एंड वाले दो सेंटर्स के ऊपर ही हैं इन टू जो आपके पास हैं फेसेस हैं ये एवो एंड बिलो सिर्फ यहाँ पे ऊपर और नीचे यहाँ पे एक एक यहाँ पे अगर आपके पास आइटम प्रेजेंट है तो मीन्स वो एंड सेंटर है सिर्फ एंड वाले जो पार्ट हैं आपके पास यहाँ पे वहीं पे एटम मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट दिख रही है हमें यहाँ पर एटम दिख रहे हैं तो उसको एंड सेंटर बोलेंगे तो ये एंड सेंटर की एग्जाम्पल है इस तरह से वहाँ पर अरेंजमेंट आपको यूनिट सेल में दिखेगी बाकी एट जो आपके पास एटम होंगे वो ए एवरी ईच एंड एवरी कॉर्नर पे एज इट इज़ आपको नजर आएंगे वो हर जगह पे ऐसे ही होंगे आपके पास जो एटम मॉलिक्यूल है वो एट कॉर्नर पे सभी यूनिट सेल में इस तरह से ही होंगे लेकिन बस उसमें अगर सेंटर में आ जाता है एक एक्स्ट्रा यहाँ पे तो उसको बॉडी बोलेंगे बॉडी सेंटर बोलेंगे और अगर ईच फेस पे एटम प्रेजेंट है तो उसको फेस सेंटर बोलेंगे और अगर एंड में इस तरह से प्रेजेंट है तो उसको एंड सेंटर बोलेंगे